टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ पुलिस ने मारपीट की है। उसकी गर्भवती पत्नी उसे ना मारने की बात करती रही, मगर सिपाही उसे मारते हुए दिव्यांग को थाने लेकर आया और उसे ढकेल दिया। वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल होने के बाद पुलिस महकमे की काफ़ी किरकिरी होने लगी। पुलिस के आला अधिकारी उसके बाद हरकत में आए। मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज के सौरिख थाने क्षेत्र का है, जहां पैरों से दिव्यांग सुदीप ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। सुदीप अपनी गर्भवती पत्नी को ई रिक्शा में बिठाकर अस्पताल चेकअप के लिए ले जा रहा था। सदर बाजार पहुंचने पर सुदीप रिक्शा रोककर कुछ खरीदारी करने लगा। ड्यूटी पर तैनात सिपाही किरण पाल ने उसे रिक्शा हटाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। दिव्यांग सुदीप का कहना है कि गाली गलौज देने का उसने विरोध किया, जिसके बाद सिपाही का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और सिपाही ने दिव्यांग को लात घूंसों से चौराहे पर ही पीट दिया और पिटाई करते हुए दिव्यांग को थाने लेकर आया और ढकेल दिया। गर्भवती पत्नी पति को छोड़ देने की दुहाई देती रही, मगर बेरहम सिपाही दिव्यांग की साथ बदसुलूकी और मारपीट करता रहा। वीडियो जब ट्विटर, फेसबुक और सोशल प्लेटफॉर्म पर जब वायरल हुआ तो पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया। जिले के एसपी ने सिपाही को लाइन हाजिर कर सरकारी औपचारिकता तो पूरी कर दी है, मगर वहीं दिव्यांग की पिटाई के मामले में कोतवाल दरोगा पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि एसपी ने घटना के संबंध में प्रभारी सौरिख की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर जी, मैं उधर से आ रहा था, मेरा ये बच्चा रहा, ये रात में इसके दर्द हो रहा था पेट में सर जी, तो मैं उसको दवा दिलाने लाया। ये मेरी मौसी बिटिया रही, तो वहाँ मेरे चचा बैठते हैं, होमगार्ड है, मेरे पिताजी भी थे, वो चाचा लगते हैं। वो बोले नहीं, ऐसे मजाक में बोले, तो मैंने उनसे कहा चाचा मैं निकाल रहा हूँ, उधर से आ रहा था ट्रक, तो मैं अपनी साड़ी में था साहब, तो एकदम मैं तो आपके खून निकल रहा, किसने आपको मारा? मुझे सिपाही ने मारा भाई, बिल्कुल। मतलब मैंने कहा सर आपको मैं कुछ नहीं बोला, जब भी कहा तब भी मेरे पहले हीरो बन रहा भाई, बहुत हीरो बन रहा भाई। ये मैं विकलांग ठहरा, इसलिए मैं भाई हाथ नहीं चलाया, मैंने पकड़ाने तो मैं गिर जाता, तब भी मेरे पहला पैर लगाने भाई, मेरे ताकत इतनी है, मैं एक घूटा मारता इसके दांत तोड़ देता, देखो मेरे तक, लेकिन मैंने हाथ नहीं चलाया, क्यों मैं विकलांग हूँ, इसलिए मैं अभी करा लो मेरे से दंगल, मैं डर गया कि घूसा में घूसा ठोक, लेकिन मैंने नहीं हाथ चलाया, मैं कभी विकलांग हूँ, मेरे सच्चाई है, मुझे शक्ति मेरे में सच्चाई मिलेगी मुझे। विवाद हो गया वहाँ पे ड्यूटी पे आरक्षी किरण पाल था, उससे जानकारी की गई है घटना के बारे में, तो ये बताया गया है कि ये बीच चौराहे पर ई रिक्शा रोक करके और सवारी बैठा रहे थे, टोकने पर उसने आरक्षी को गाली दे दी, उसके बाद आरक्षी भड़क गया, उसने फिर उसको धक्का दिया। तो ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दिव्यांग व्यक्ति है और अगर ठीक है उसका आचरण चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम पुलिसकर्मी इसके लिए प्रशिक्षित हैं, सहनशीलता की शिक्षा दी जाती है और आरक्षी को, जो नया आरक्षी है, इसको संयम नहीं खोना चाहिए था और इसको मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और ऐसे प्रकरणों में मैं हमेशा सख्त कार्रवाई करता रहा हूँ। अभी तत्काल मैंने आदेश दे दिया है कि उसको थाने लाइन के लिए रवाना करें,